जो मखलूक आसमानों और जमीन में है अल्लाह की तस्बीह करती है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है, वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है और वो हर चीज पर कादिर है। वही अव्वल और वही आखिर और अपनी कुदरतों से सब पर जाहिर और फिर भी पोशीदा है और वो हर चीज का खूब जानने वाला है। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। जो चीज जमीन में दाखिल होती और जो उससे निकलती है और जो आसमान से उतरती और जो उसमें चढ़ती है, सब उसको मालूम है। और तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ होता है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है और सब मामलात उसी की तरफ रुजू होते हैं। वही रात को दिन में दाखिल करता और दिन को रात में दाखिल करता है और वो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। लोगों, अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और जिस माल में उसने तुमको अपना नायब बनाया है उसमें से खर्च करो। अब जो लोग तुम में से ईमान लाए और माल खर्च करते रहे उनके लिए बड़ा सवाब है। और तुम कैसे लोग हो कि अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, और अगर तुमको यकीन हो तो वो तुमसे इसका अहद भी ले चुका है। वही तो है जो अपने बंदे पर वाज़े आयतें नाजिल फरमाता है ताकि तुमको अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाए। बेशक अल्लाह तुम पर निहायत शफकत करने वाला है, मेहरबान है।